हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल नए तरीके से सिर्फ एक लीटर दूध से रबड़ीदार सेवैयाँ खीर। फ्रेंड्स, सेवई खीर बनाने के लिए हमने 40 ग्राम बारीक वाली सेवैयाँ ली हैं। तो ये सेवैयाँ बिल्कुल सीधी हैं, स्टिक जैसी, तो ऐसे तो यह भूनते नहीं बनेंगी। तो क्या करेंगे, इनको हाथों से हल्का हल्का तोड़ लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, वैसे तो यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर आज हम जिस तरह से एक लीटर दूध में पूरे परिवार के लिए रबड़ीदार सेवैयाँ बनाएंगे ना, तो यह वीडियो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप रसगुल्ला छेना को छोड़कर सिर्फ सेवैयाँ ही बनाना पसंद करोगे। अब हमें इनकी एक दो मिनट के लिए भुनाई करनी है। तो इसके लिए हम कोई मोटे तले का पैन या फिर कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल रहे हैं। घी को गर्म होने देंगे, और यहाँ पर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। दोस्तों, आज हमारे पास बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं बचे हुए थे, सिर्फ 4 से 5 बादाम और 4 से 5 अखरोट ही पड़े हुए थे, तो हमने यही लिया है। अगर आपके पास काजू किशमिश हो तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। बादाम और अखरोट जब हल्के से भून जाएंगे ना, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। दोस्तों, वैसे तो ड्राई फ्रूट्स हम नहीं भूनेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पर जब हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स भून कर डालेंगे तो स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी बचे हुए घी में हम सेवैयों को भी डालकर भून लेंगे। दोस्तों, आपसे हमारी दिल से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। दोस्तों, वैसे तो यह सेवैयाँ भुनी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। धीमी धीमी आँच पर जब इस तरह से हल्की डार्क कलर की ये सेवैयाँ भुनी हुई होती है ना, तब ये बहुत ही बढ़िया बनती हैं। स्वादिष्ट सेवैयाँ बनाने के लिए ना, सेवैयों को भूनना भी मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी सेवैयाँ थोड़े से डार्क कलर की हो गई हैं, तो यहीं पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और सेवैयों को प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पर ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे करेंगे। जिस बर्तन में हमने सेवैयों को भून कर तैयार किया है ना, सेम उसी कढ़ाई में हम 1 लीटर के करीब दूध डाल रहे हैं। यह दूध हमने पहले से गर्म किया हुआ लिया है। दोस्तों, सबसे ध्यान देने वाला पॉइंट, आपको भी दूध गर्म किया हुआ ही लेना है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप उसको एक बार गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा कर लीजिए, फिर ही आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। दूध आपको क्यों गर्म करके लेना है, यह मैं आपको बाद में बताऊँगी। दूध में उबाल आने देंगे। दोस्तों, यह दूध हमारा बढ़िया सा उबलने लगा है, तो दूध को हम ऐसे ही उबलने देंगे और इधर एक छोटी सी तैयारी करेंगे। दोस्तों, दूध हमने जानबूझकर उबाल कर लिया था ना, क्योंकि इसी दूध से हमने यह मलाई निकाल कर ली हुई है। इस मलाई को हम छोटे वाले मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके साथ ही ना, यह जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए थे ना, यह भी डाल देंगे, और यह जितना ज़्यादा बारीक पीस पाएंगे उतना ज़्यादा बारीक पीस कर तैयार करेंगे। देखिए, यह कुछ इस तरह का पीस कर तैयार हुआ है, तो इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और दूध को देख लेते हैं। दूध को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है, यह थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, तो अब हम इसी टाइम भुनी हुई सेवैयों को डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही सेवैयों को पकने देंगे। फिर 2 मिनट के बाद हम इसमें 50 से 60 ग्राम तक चीनी डालेंगे, या फिर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि ये सेवैयाँ थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती हैं। चीनी डालने के बाद हमने जो मलाई ड्राई फ्रूट्स को पीस कर रखा हुआ था ना, उसे भी डाल देंगे और 1 मिनट तक सभी चीज़ों के साथ पकने देंगे। देखिए, हमने जैसे ही मलाई ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट डाला ना, हमारी सेवैयाँ गाढ़ी और रबड़ीदार हो गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने मावा डाला हुआ है, लेकिन हमने तो उसी दूध से मलाई को निकाल लिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और जुगाड़ से बिल्कुल मावा जैसी हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। दोस्तों, हमारे वहाँ रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये सेवैयाँ ज़रूर से शगुन के तौर पर बनाई जाती हैं। तो बस लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे ही चलाएंगे, फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। सेवैयाँ खीर को थोड़ा सा शाही बनाने के लिए ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल देंगे, और यकीन मानिए, यह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जब भी कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे, या फिर घर पे कोई गेस्ट आ जाए, तो बिना खर्चे में बहुत ही स्वादिष्ट सेवैयाँ खीर हमारे तरीके से एक बार बना के ज़रूर से खिलाइए।
तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।